जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन, आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला। जी हाँ, ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिक्का मसाला बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच हम दही लेंगे। उसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन का लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धना पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून किचन किंग मसाला और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और फिर इनको सबसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 200 ग्राम पनीर को हमने क्यूब्स में कट किया है वो डालेंगे। एक बड़ी शिमला मिर्च ली हमने, उसे भी क्यूब्स में कट किया है वो। एक बड़े प्याज को भी डाइस कट किया है वो, और एक टोमेटो को क्यूब्स में कट किया। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ढककर 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। हमने जो सब्जियों को मैरिनेट करके रखा था उसको 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम पैन में तेल लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें सारी सब्जियों को डाल देंगे और इसको थोड़ा शैलो फ्राई कर लेंगे। सारी सब्जियों को इस तरह अच्छे से फैला के रोस्ट होने देंगे। एक साइड से रोस्ट होने के बाद हम उसको पलटेंगे। सब्जियों को इस तरह से पलट के शैलो फ्राई करना है। हमारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए अब हम पैन में ऑयल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें 2 बारीक प्याज कटे हुए डालेंगे, फिर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 बड़े टोमेटोज़ की प्यूरी बना के रखी है, इसको हम अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसने अच्छा ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे। तो मिक्स करके हम 1 बॉईल आने तक फिर से ढक के रख देंगे। हमारा मसाला भी बॉईल हो चुका है। अब हम हमने जो टिक्का बना के रखा था वो इसमें हम धीरे धीरे डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम 8 से 10 मिनट के लिए ढक के कम गैस पे रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सबसे लास्ट में हम गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर देंगे और फिर 5 मिनट के लिए गैस बंद करके 5 मिनट के लिए हम इसको फिर से ढक के रख देंगे। हमारी पनीर टिक्का मसाला बनके रेडी है। इसे आप एंजॉय कीजिए रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ।